अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री सिस्टम में हम आइटम को एडिट कैसे करेंगे और उसको स्क्रिप्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एडिट कैसे काम कर रहा है। इस एडिट पे हम ये लिंक है, यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है आइटम एडिट। जैसे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम इसके थ्रू इसकी आईडी पास करते हैं और वो जैसे ही उसी फाइल पर जाएगा edit.atom.php, उसके साथ आईडी, जो भी आइटम का आईडी होगा वो उसके थ्रू वो हमें आइटम शो करेगा। तो उसके बाद अगर उसमें हमें कोई चेंजिंग करनी होगी तो हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर उसको अपडेट कर देंगे। तो ये एडिट का जो पेज है उसमें ये आईडी जैसे आएगी, तो उसके बाद ये आईडी सेट करेगी कि कौन सा आइटम है। उस आइटम में ये क्यूरी आइटम के लेवल में ऐसे वैल्यू गेट करेगी और सारे प्लस होल्डर में डिफाइन कर देगी वेरिएबल्स में। उसके बाद ये जो इसकी एचटीएमएल लिखी हुई है उसमें हर एक वैल्यू, उसके वैल्यू में हमने प्लेस होल्डर डिफाइन कर दिया कि जो जो उसमें वैल्यू हम आईडी के थ्रू गेट कर रहे हैं वो हम उसी ही वैल्यू में डिफाइन कर रहे हैं, ताकि जो वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है वो उस टेक्स्ट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में शो हो रहे हैं। जैसे हमने इस आइटम को क्लिक किया तो इसकी सारी जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स में आ गई। तो इसमें हमें कुछ चेंजिंग करना है, इसमें से लैपटॉप कर देना है या कुछ और कर देना है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें से वैल्यू कम करनी है, जैसे अगर इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो हम बढ़ाएंगे और अपडेट कर देंगे। आइटम वैल्यू सक्सेसफुल है, जैसे हमने आइटम सक्सेसफुली पे क्लिक किया, उसके बाद सारे जो वैल्यू हमने गेट किए और यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया इस आइटम को और हमें ये मैसेज दिखा दिया एडिट आइटम सक्सेसफुली। तो ये एडिट के टेबल में जा, ये आइटम के टेबल में जाके अपडेट कर देगा और हमें वैल्यू दिखा देगा। उसके बाद एडिट हो गया, पहले 500 थे 550 हुए और एडिट का और उसकी कैसे काम करता है पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।